हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल बादशाह अर्थात औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह जो राजगद्दी पर बैठते हैं, आज का टॉपिक हमारा वो है। दूसरी बात दोस्तों ये है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो राजगद्दी पर बैठते हैं वो हैं बहादुर शाह प्रथम। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये भी समझना है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय कितने पुत्र थे औरंगजेब के, और उनमें राजगद्दी के लिए क्या संघर्ष हो रहा था, कौन कौन से कहां कहां के सूबेदार थे। दोस्तों, यहां पर आपको यह भी समझना है, क्योंकि औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था, और दोस्तों जो मृत्यु होती है वह 1707 ईस्वी में होती है। औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो उस समय औरंगजेब की जो उम्र थी 89 या 90 उम्र के लगभग थी, अर्थात 90 वर्ष के लगभग थी, ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो थोड़ा हम औरंगजेब के बारे में समझते हैं, जो उसके पुत्र थे वो कहां कहां के सूबेदार थे उस समय, और संघर्ष कैसे होता है समझना दोस्तों। औरंगजेब के दोस्तों इस समय जब मृत्यु होती है तो दोस्तों तीन पुत्र जीवित थे। कितने पुत्र जीवित थे दोस्तों? तीन पुत्र जीवित थे। नंबर एक है दोस्तों मुअज्जम, दूसरा है दोस्तों, जो दूसरा पुत्र है उसका नाम है दोस्तों आजम, जो तीसरा पुत्र है उसका नाम है दोस्तों काम बख्श। उसका नाम क्या है? काम बख्श। मुअज्जम, आजम और तीसरा है काम बख्श, ठीक है ना। ये तीन पुत्र होते हैं औरंगजेब के जीवित, ठीक है ना। दोस्तों, इस समय हम औरंगजेब की भी हम बात करें, क्योंकि जो जन्म होता है वो 1618 ईस्वी में होता है, और जो मृत्यु होती है वह दोस्तों 3 मार्च 1707 ईस्वी में होती है। कहने का मतलब है 89 वर्ष के थे, 89 या 90 वर्ष के थे कौन? औरंगजेब, जब मृत्यु होती है। तो दोस्तों, जो ये मुअज्जम है, आजम है, कामबख्श है, इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि अगर हम मुअज्जम की बात करें तो मुअज्जम की 63 वर्ष की उम्र थी। कितनी थी? 63 वर्ष की उम्र थी, ठीक है ना। दोस्तों, जो ये मुअज्जम थे ये कहां के सूबेदार थे? ये दोस्तों काबुल के सूबेदार थे। कहां के थे? काबुल के सूबेदार थे। हम आजम की बात करें तो आजम गुजरात के सूबेदार थे। कहां के थे? गुजरात के। दोस्तों, प्रश्न आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, शासक बनने से पहले बहादुर शाह कहां के सूबेदार थे, या दोस्तों आजम कहां के सूबेदार थे औरंगजेब के समय, ठीक है ना। अब बात करें दोस्तों काम बख्श की, बात करें तो काम बख्श कहां के सूबेदार थे? दोस्तों, ये बीजापुर के सूबेदार थे। कहां के थे दोस्तों? बीजापुर के सूबेदार थे, ठीक है ना। काबुल, गुजरात और बीजापुर, ये से ये सूबेदार बने हुए हैं। काबुल के कौन है? मुअज्जम है, ठीक है ना। और गुजरात का है आजम है, कामबख्श है, बीजापुर के सूबेदार है, ठीक है ना। यहां तक होगी दोस्तों सूबेदारों की बात हो चुकी, यहां तक कहां कहां के सूबेदार है। तो दोस्तों, औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद दोस्तों जो उत्तराधिकार के लिए जो संघर्ष है वो दोस्तों क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, जो संघर्ष है उत्तराधिकार के लिए वो प्रारंभ हो जाता है। तो बड़ा पुत्र कौन है? मुअज्जम, ठीक है ना। मुअज्जम को दोस्तों, इसे दोस्तों शाह आलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाह आलम भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी को दोस्तों शाह आलम भी कहते हैं, ठीक है ना। शाह आलम इसे हम प्रथम कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम शाह आलम सेकंड की बात करेंगे, शाह आलम जब हम सेकंड की बात करेंगे तो दोस्तों जो शाह आलम जो सेकंड होंगे वे दोस्तों बाद के शासक हैं। कब के हैं दोस्तों? बाद के शासक हैं, 1759 से, जिन्होंने 1816 ईस्वी में शासन किया था, जिसे शाह आलम द्वितीय कहते हैं। यहां पर दोस्तों जो शाह आलम जो प्रथम है ये दोस्तों बहादुर शाह है। क्या है? बहादुर शाह है, ठीक है ना। बहादुर शाह है जिन्होंने शासन 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया था। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं शाह आलम प्रथम की बात कर रहे हैं, जो बहादुर शाह नाम से राजगद्दी पर बैठते हैं। तो दोस्तों यहां तक हमारी बात हो चुकी, ठीक है ना। अब दोस्तों इसने राजगद्दी के लिए संघर्ष हो रहा है, ठीक है ना। संघर्ष जब राजगद्दी के लिए होगा, शाह आलम
शाह आलम को अपने भाई आजम से भी संघर्ष करना पड़ेगा और कामबख्श के से भी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी राजगद्दी पर बैठना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों जब संघर्ष की जब बात आती है तो दोस्तों पहला जो संघर्ष होता है, पहला जो इनका संघर्ष होता है वो होता है 18 जून 1707 ईस्वी में होता है दोस्तों शामूगढ़ के पास जजाव का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? जजाव का युद्ध होता है। इस युद्ध को आप याद रखना क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जजाव का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। दोस्तों जो ये युद्ध होता है ये दोस्तों मुअज्जम और आजम के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? आजम के मध्य हुआ था। मुअज्जम और आजम के मध्य, ठीक है, मुअज्जम और आजम के मध्य युद्ध हुआ था दोस्तों। इसमें दोस्तों मुअज्जम की विजय होती है। विजय किसकी होती है? मुअज्जम की विजय होती है। तो दोस्तों जैसे ही विजय होती है तो दोस्तों जो मुअज्जम है वो दोस्तों क्या बन जाता है? शासक बन जाता है दोस्तों। 63 वर्ष की उम्र होती है इस समय। कितने वर्ष की? 63 वर्ष की उम्र होती है। कहने का मतलब है मुअज्जम ने अपना भाई आजम को तो दोस्तों रास्ते से हटा दिया, साफ कर दिया, लेकिन अभी तो इसे अपना भाई कामबख्श से भी युद्ध करना है। किससे करना है दोस्तों? कामबख्श से भी युद्ध करना है। अगला युद्ध किससे होगा दोस्तों? 13 जनवरी 1709 ईस्वी को दोस्तों कामबख्श को भी पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? कामबख्श को भी पराजित कर दिया। अब दोस्तों 65 वर्ष की उम्र हो जाती है इस समय। किसकी दोस्तों? बहादुर शाह की। और दोस्तों जब अपने भाई दूसरे कामबख्श को भी पराजित कर दिया तो यहां पर दोस्तों बहादुर शाह नाम से शासक बनता है। किस नाम से? बहादुर शाह नाम से शासक बनता है और दोस्तों यह कहलाएगा बहादुर शाह प्रथम। क्या कहलाएगा दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम कहलाएगा। तो दोस्तों अब शासक बन गया है बहादुर शाह, ठीक है ना। बहादुर शाह दोस्तों 1707 से 1712 ईस्वी तक अब शासक बन चुका है बहादुर शाह। ये शासक बन चुका है, ठीक है ना। बहादुर शाह दोस्तों अब शासक बन चुका है। अब इसके बाद दोस्तों बहादुर शाह क्या क्या आदेश देंगे, क्या क्या करेंगे, तो वो अब आपको आगे समझना है दोस्तों। बहादुर शाह ने दोस्तों क्या किया था? बहादुर शाह ने एक शाहू था, शाहू शिवाजी का पुत्र शाहू था, जिसे औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में जेल में डाल दिया था। कहां डाल दिया था दोस्तों? जेल में डाल दिया था, ठीक है ना। किसको डाल दिया था दोस्तों? शाहू को दोस्तों जेल में डाल दिया था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? शाहू को दोस्तों इन्होंने शासक बनने के बाद क्या किया दोस्तों? शासक बनने के बाद 18 मई को 1707 ईस्वी में शासक बनने से ही पहले शाहू को क्या कर दिया? रिहा कर दिया दोस्तों शाहू को। शासक बनने से पहले ही साहू को जेल से रिहा कर दिया। किसने रिहा कर दिया दोस्तों? बहादुर शाह ने रिहा कर दिया शासक बनने से पहले। जो साहू था, साहू भी किसके पक्ष में हो गया? बहादुर शाह के पक्ष में हो गया दोस्तों। बहादुर शाह ने दोस्तों जो सिख नेता जिसका नाम था बंदा बहादुर के पास आक्रमण करने के लिए 1711 में सेना भी भेजी थी, लेकिन दोस्तों ये बंदा बहादुर वहां छोड़कर उस स्थान छोड़कर चले गए थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बहादुर शाह की दोस्तों जो बहादुर शाह है 27 फरवरी 1712 ईस्वी को दोस्तों बहादुर शाह की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह की। कब? 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। और बहादुर शाह की जैसे ही मृत्यु होती है दोस्तों इसके जो पुत्र थे वो भी दोस्तों उत्तराधिकारी के युद्ध में कूद गए दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों 1 माह तक बहादुर शाह का जो शरीर था बिना दफनाए पड़ा रहा। ये बहुत बड़ी बात है, इसे आप नोट करें दोस्तों।
बहादुर शाह का दोस्तों एक माह तक जो शरीर था बिना दफनाए यूं ही पड़ा रहा दोस्तों, और उत्तराधिकारी के युद्ध में इसके पुत्र लग चुके थे दोस्तों। तो दोस्तों बंदा इस बहादुर शाह के लिए सिडनी ओवेन ने कहा है, किसने दोस्तों, सिडनी ओवेन ने कहा है, ये एक अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा लिखा जा सकता है। उसका नाम था बहादुर शाह, जिसके बारे में कुछ अच्छा लिखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसके बारे में, बहादुर शाह के बारे में दोस्तों, जो खफी खां था, क्या नाम दोस्तों, खफी खां ने दोस्तों लिखा था, ये बेखबर था, इसे शाहे बेखबर कहा है। खफी खां ने क्या कहा है, शाहे बेखबर कहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये लापरवाह था अपनी नीतियों के प्रति, इसलिए इसे शाहे बेखबर कहा है। किसने, खफी खां ने इसे शाहे बेखबर कहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो था उत्तर मुगल बादशाहों में बहादुर शाह प्रथम था 1707 से 1712। लेकिन यहां पर आप समझना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मुअज्जम, पहला नाम क्या था, मुअज्जम, इसी को दोस्तों, मुअज्जम को ही शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, बहादुर शाह भी इसी को कहते हैं। शासक बनने से पहले काबुल के सूबेदार थे, इसका दूसरा भाई आजम था जो गुजरात के सूबेदार थे, अगला भाई था कामबख्श था दोस्तों जो बीजापुर के सूबेदार थे दोस्तों। तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोस्तों इन भाइयों में आपस में संघर्ष हो जाता है, एक सामुगढ़ के पास जजाऊ का युद्ध होता है, इस युद्ध में दोस्तों आजम को पराजित किया था बहादुर शाह ने, अर्थात मुअज्जम ने, ठीक है ना, इसमें विजय, इस समय 63 वर्ष की आयु थी। लेकिन दोस्तों पूर्ण रूप से जब शासक बनते हैं उस समय जो उम्र है वो 65 वर्ष की हो जाती है, इस बात को आप याद रखना, क्योंकि पूर्ण रूप से शासक बनेंगे जब अपना भाई कामबख्श को भी पराजित करेंगे। तो कामबख्श को जो किया था वो 13 जनवरी 1709 ईस्वी में किया था। यहां के बाद दोस्तों पूर्ण रूप से शासक बन जाते हैं बहादुर शाह, और दोस्तों इसी को शाहे बेखबर कहा जाता है। यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शाहे बेखबर किसको कहा जाता है, तो दोस्तों बहादुर शाह प्रथम को ही दोस्तों शाहे बेखबर कहा जाता है, और इसे दोस्तों शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। शाह आलम द्वितीय तो दोस्तों 1759 से 1806 ईस्वी में बैठते हैं। अगर हम बहादुर शाह सेकंड का प्रयोग करते हैं तो बहादुर शाह सेकंड में बहादुर शाह जफर आते हैं, जो दोस्तों कब शासक थे, 1857 की क्रांति के समय शासक थे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहादुर शाह प्रथम, तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।